हेलो क्लास, वंस अगेन आई एम बैक विथ माई न्यू वीडियो फॉर इन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, दैट इज एक्सपोनेंट। ओके, द चैप्टर नेम मे बी एक्सपोनेंट पावर आर इंडिसेस। ओके, चैप्टर के नेम क्या है? एक्सपोनेंट भी हो सकता है, पावर आर इंडिसेस भी हो सकता है। एक्चुअल में ऐसा क्या होता है कि व्हाट एक्सपोनेंट पावर आर इंडिसेस, जनरली दे आर टेकन ऑल द थ्री एट सेम, तीनों को हम सेम लेते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं करते हैं। नॉर्मल के बीच में कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बट नॉर्मल मेथड में, ठीक है, या जनरली हम क्या करते हैं, उनको इग्नोर कर लेते हैं। होता है कि जैसे सपोज कर लो कि एक नंबर ए है, अगर इस नंबर का हम कई टाइम सपोज 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तुमने ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यह थोड़ा सा लॉन्ग है दिखने में, इसको जब सॉर्ट करते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, a रेस्ट पावर 5। इसको क्या पढ़ते हैं, a रेस्ट 2 पावर 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब एक नंबर a था उसका हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 5 बार, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें क्या, 8 पावर 5। क्लियर, तो इसको पूरा लिखना है क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट का रूल कहलाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन जो पूरा बनता है उसको स्पेशली हम पावर एक्सपोनेंट ही कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं क्या पावर फॉर्म भी कहते हैं, और फिर क्या कहते हैं, इंडिसेस। ठीक है, जनरली पूरे पूरे एक्सप्रेशन को नाम दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सपोनेंट और पावर इंडिसेस क्या होते हैं, तीनों ऊपर वाले की ज्यादा कर देते हैं। अगर आप एक्सपोनेंट की बात करते हो, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है मतलब ऐसे वो लिखा है, ठीक है, पावर फॉर्म में इस तरह, इंडिसेस फॉर्म में इस तरह माना जाएगा। क्लियर, अगर इसको देखा जाए इसके दो पार्ट हो जाते हैं, जो नीचे का होता है ए है उसको हम बेस बोलते हैं, और ऊपर जो 5 लगा है उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। क्लियर, मींस नंबर ऑफ टाइम एक गिवन नंबर इज मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ दैट द पर्टिकुलर नंबर टाइम इज कॉल्ड पावर एक्सपोनेंट। जब किसी एक पार्टिकुलर नंबर को जितनी बार मल्टीप्लाई खुद के साथ करते हैं उसका उसी के साथ करते हैं, पूरी बार जितनी बार हम मल्टीप्लाई किए थे सभी को हम पावर नाम देते हैं, या उसको क्या होते हैं, एक्सपोनेंट नाम देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बेस और पावर दोनों को लेकर एक पावर करते हैं, या बेस एक्सपोनेंट लेकर एक्सपोनेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई खास डाउट करने वाली बात नहीं रहती है। अगर आपको बस पावर का दे, सिंपल सी बात, ऊपर वाले जो है उसी से लेना है। ठीक है, हाँ, पूरा पूरा पावर फॉर्म या एक्सपोनेंट फॉर्म या इंडिसेस फॉर्म कल आएगा। ओके, तो बेसिकली इसमें यही होता है कि एक नंबर जो होता है, ठीक है, उसका हम कई बार क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई किए रहते हैं। सो अगर मैं उसको लिखता हूं तो हमारे थोड़ा सा टफ रहेगा उसको लिखना, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट करते हैं और एक शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं जिसको एक्सपोनेंट फॉर्म या एक्सपोनेंट पावर या इंडिसेस फॉर्म का होता है। क्लियर, तो जैसे अगर मान लेते हैं 5 है, 5 को मल्टीप्लाई हमने 5 में कितनी बार कर दिया, सपोज 6 टाइम, 3 6, इसको मैं लिखता हूं तो क्या जाएगा, 5 पावर 6, जहां 5 क्या कहलाएगा, बेस, और 6 क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। ठीक है, यह पूरा मेथड हम किसके अंदर पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट के। यह पूरा पूरा एक्सप्रेशन जो होता है एक्सपोनेंट के अंदर पढ़ा जाता है। क्लियर, नेक्स्ट कुछ रूल हैं, मैं एग्जांपल और रूल एक ही साथ कराते जाऊंगा ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे रूल कहता है कि अगर एक्स बाई वाई टू पावर एन हो, इसका मतलब ये होता है कि एक्स बाई वाई का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे उसके साथ, एन बार। ठीक है, यानी एक्स बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई, और कहाँ तक, एन टाइम तक, एन की वैल्यू जितना रहेगी उतना आती रहेगी। क्लियर, इसको एक दूसरा फॉर्म, इसको अगर सॉर्ट करते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स पावर एन और वाई पावर एन, यानी किसी भी रेशनल नंबर के ऊपर पावर लगा है तो इंडिविजुअल पे पावर लगा सकते हैं अलग अलग। क्लियर, सो इतना ही, जितने भी रूल आते रहेंगे, ठीक है, चैप्टर 1 में जितने रूल है उसको इस टाइम पढ़ा दे रहा हूँ, चैप्टर 2 के जो रूल रहेंगे, चैप्टर 2 मतलब चैप्टर 2B के जो रूल रहेंगे वह उसके एक्सरसाइज के साथ पढ़ा जाएगा।
ठीक है, क्योंकि मैं अभी अगर आप पढ़ा देता हूँ पूरा रूट उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि एग्जाम उसके रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहा हूं, क्वेश्चन देखा है सॉल्व एग्जाम्पल। क्वेश्चन गिवन 2/5 to power 3, बीज गिवन 1a, बीज गिवन -6/7 to power 3, सी गिवन -5/9 to power। क्लियर? अब थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ टॉपिक ध्यान रखते हैं। रूल यह कहता है कि अगर एक निगेटिव नंबर है जैसे ए हो, ठीक है, और अगर उसमें पावर एन लगाओ, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आती है, कैपिटल ए आती है। एक स्मॉल मतलब एक नंबर स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट किए और वह निगेटिव है, उस पर पावर क्या लगा है, एन लगा है, तो इसके दो वैल्यू आने के चांसेस बनते हैं। एक क्या होता है प्लस ए और दूसरा क्या होता है माइनस ए। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कब प्लस रहेगा और कब क्या रहेगा माइनस रहेगा। अगर एन की वैल्यू इवेन टाइम आती है तब तो प्लस हो जाएगा, अगर ऑड टाइम आती है एन की वैल्यू तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जैसे सपोज दैट कि -3/3 है और फिर -3/4। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा -3 × -3 × -3। पहले हम क्या करते हैं सिंबल का सिंबल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो -(-) +(-), यानी ओवरऑल वैल्यू किसमें आएगी माइनस में आएगी। अगर मैं नंबर करता हूँ 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, तो वैल्यू कितनी आएगी -27। क्लियर? और जैसा कि यहाँ भी था कि अगर एन की वैल्यू ऑड टाइम आती है तो वैल्यू कैसी रहेगी निगेटिव मानी जाएगी। ओके, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा -3 × -3 × -3 × -3 मल्टीप्लाई करो, पहले सिंबल का सिंबल -(+), +(-), -(+), ओके, यानी ओवरऑल हमें क्या मिलेगा प्लस मिलेगा, या फिर इन दोनों को एक साथ कर लो, इन दोनों को एक साथ -(-), -(+), +(+), +(+), ही रहेगा, 5 × 5 = 5 बनती है। अब नंबर करो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 9 × 9 = 81, ये पॉजिटिव है और ये क्या है निगेटिव है। यहाँ पावर 4 था जो कि इवेंट टाइम है, यहाँ पावर 3 था जो क्या है ऑड टाइम है, तो किसी भी निगेटिव नंबर के ऊपर अगर पावर इवेंट टाइम है तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, अगर ऑड टाइम है तो पूरी वैल्यू कैसी रह जाएगी निगेटिव का निगेटिव रह जाएगी। ओके, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूं, 2/5 power 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, 3 times, फिर 5 × 5 × 5, कितने टाइम 3 times, ऊपर को ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, नीचे जाओ 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। क्लियर? ये एक ही वैल्यू है, मतलब ये होता है जितनी पावर लगी होती है हमें उतनी पावर मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर? अगर इसको एक स्टेप प्लस और कर की होते हैं तो क्या होता है 2 to power 3 और 5 power 3, इसका मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा और 5 बार मल्टीप्लाई 3 times किया जाएगा, तो 2 × 2 × 2, 5 × 5 × 5, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और यहाँ पे 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। नेक्स्ट अब हम किसको देखते हैं बी को, अगर मैं बी को देखूं ध्यान से, ये -6/7
क्लियर, -6/7 -6/7। या फिर चाहो तो तुम ऐसा कर सकते हो कि -6/7 cot 3 है, और हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर नेगेटिव है और पावर उस पर ऑड टाइम है, 3 एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, अगर ऑड टाइम क्या है पावर लगाए, सिंपल सी बात, वैल्यू नेगेटिव आएगी। माइनस पहले निकाल दो बाहर, इसको इस तरह करते हैं, जब करोगे -6/7 into 6/7 into 6/7। ओके, सो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 6 6 36 36 6 100 216। फिर 7 7 49 और 49 7 343, और आगे सिंबल क्या रहेगा, माइनस लगा रहेगा। तो ध्यान ये रखोगे कि जहां भी निगेटिव आता है अगर वो ऑड टाइम पावर लगा है निगेटिव नंबर पे तो वो वैल्यू निगेटिव रहेगी, तो माइनस सिंबल बाहर कर लो और फिर उसके बाद नॉर्मली सॉल्व करो। क्लियर, हाँ पॉजिटिव है तो कोई मतलब नहीं है, वो तो पॉजिटिव हमेशा ही रहेगा। नेक्स्ट सी, दिस गिवन -5/9 power। देख सकते हैं कि एक निगेटिव नंबर है, ओके, बट यहाँ पावर क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी पावर क्या है, इवेन है। अगर कोई नंबर निगेटिव और पावर इवेन टाइम हो, सिंपल सी बात, पूरी पूरी वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये हमारा सिंपली क्या रहेगा, 5/9 power 4। तो 5/9 into 5/9 into 5/9 into 5/9। क्लियर, सॉल्व करो, 5 5 जा 25 9 9 9 9 जा 81। फिर इसका करो 25 क्या रहेगा, 81, 25 25 625, और 81 81 हो जाएगा आपका 9 240 8 24। इतना रहेगा, एग्जांपल फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, हमें क्या है इसकी वैल्यू एवेल्यूएट करनी है, एवेल्यूएट मतलब पावर को रिमूव करना है और उसके एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 2/5 and power 3, इसका मतलब हुआ कि 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम होगा और 5 मल्टीप्लाई भी 3 टाइम, या 2/5 मल्टीप्लाई 3 टाइम। तो 2/5 into 2/5 and 2/5, 2 2 4 4 2 8 5 5 25 25 5 5 125। क्लियर, अब यहाँ पे आते हैं कि आप थोड़ा ध्यान देने वाली बात थी कि यहाँ पे क्या है, निगेटिव नंबर है और पावर क्या है, ऑड टाइम है। रूल होता है कि जब कोई निगेटिव नंबर होता है पावर ऑड टाइम होता है, जब कोई नंबर निगेटिव होता है पावर क्या होता है, ऑड टाइम होता है, तो बड़ा ऑल वैल्यू निगेटिव मानी जाती है और सिंबल कहाँ आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 6/7 power 3। जब इसको आप सॉल्व करोगे 6 into 6 into 6 216 और 7 into 7 into 7 343। अब यहाँ पे जब आवृत्ति निगेटिव है और पावर इवेंट टाइम है, तो जब एक निगेटिव नंबर पे पावर इवेंट टाइम हो तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो इसको हम 5/9 power 4 लिख सकते हैं, और फिर जब सॉल्व करोगे तो 625/6561 हो जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट इज निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रैशनल नंबर। सो पहले हम थोड़ा सा समझते हैं दिया क्या है निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर, जो ऊपर नंबर हम लिख रहे कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करते हैं बेस कराता है और जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर बनता है। तो हमें पावर लिखना है, लेकिन कैसा पावर रहेगा, निगेटिव इंटीग्रल। तो निगेटिव मतलब निगेटिव सिंबल लगा रहेगा पावर पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल मीन्स होता है ऐसे नंबर को इंटीग्रल बोलते हैं जिनमें सी पर सी होल पार्ट हो, ठीक है, डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट ना हो उसको इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी क्या है, इंटीग्रल है। इनके निगेटिव -1, -2, -3, -4 ये सभी क्या है, इनके इंटीग्रल है, क्लियर। लेकिन अगर 1.5 लिखते हैं तो इंटीग्रल नहीं माना जाएगा। मतलब जब एक रेशनल नंबर पे पावर लगाते हैं वह निगेटिव हो लेकिन उसके साथ फ्रैक्शन ना लगाओ बल्कि किसमें हो, इंटीग्रल 1, 2, 3 करके हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रैशनल नंबर। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर x by y to power minus n लिखते हैं, ठीक है, वेयर n बिलोंग टू z, इसको क्या बोल सकते हैं इंटीग्रल, जहां n की वैल्यू क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है। स्पेशली हम पॉजिटिव मानेंगे क्योंकि ऑलरेडी वहां क्या लगा है, निगेटिव बनाना, तो पॉजिटिव होगा तभी निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव इंटीजर। सो अगर x by y पावर माइनस n लिखते हैं तो n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6 ऐसे करके, और उसके साथ जब माइनस होगा तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे सब चलता चला जाएगा, क्लियर। तो इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि उसमें डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट नहीं रहेंगे, बस रहेंगे क्या, होल पार्ट। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा एक्स बाई वाई पावर माइनस एन को अगर मैं लिखूं तो ये दिखाएगा वेक वाई बाई एक्स टू पावर एन, क्लियर। इसको क्योंकि रूल होता है कि जब किसी भी नंबर का या किसी भी रेशनल नंबर का पावर अगर दिया वो पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स। वो भी कौन सी इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया भी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब पावर क्या होता है माइनस वन लगाते हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं। पावर माइनस वन सिर्फ वहां पे क्या माइनस वन का रूल था, माइनस वन यूज किया था, लेकिन कोई भी पावर रहेगा, ठीक है, उस पर जब पावर माइनस लगेगा तो इनवर्स की तरफ बिहेव करेगा, तो इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, एक्स बाई वाई पावर माइनस एन है, ठीक है। अब इसको सही ढंग से लिखें तो वाई बाई एक्स पावर एन हो जाएगा, यानी अगर निगेटिव से पॉजिटिव पावर बनाना है सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज करते हैं तो उसी समय उसको इनवर्स बोलते हैं, ठीक है, या हम क्या उसको बोलते हैं, रेसिप्रोकल करना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन एग्जांपल फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ए गिवन -7/3 to power 4, b is given 1/8 to power 5, c is given 3/5 to power 2,
and this is given 4 by 9 to power 6. ओके इनका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है या इनवर्स करना है. अगर रेसिप्रोकल करें या इनवर्स करें या निगेटिव क्या करें पावर कर दें, तीनों सेम मानी जाएगी. अगर हम किसी भी दिए हुए एक्सपोनेंट का अगर पावर निगेटिव कर देता हूँ तो भी वो क्या मानी जाएगी, रेसिप्रोकल. उसको रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करते हैं और इनवर्स भी कर सकते हैं, तीन नाम उसको दे सकते हैं. ठीक है, निगेटिव एक्सपोनेंट के साथ रेसिप्रोकल को चाहे इनवर्स को, तीनों को तीनों क्या माने जाएंगे, सेम माने जाएंगे. अगर मैं पहला सॉल्व करता हूं तो रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 बाई 3 पावर 4 अगर मैं लिखता हूं तो ये लिखा जाएगा माइनस 7 बाई 3 टू पावर माइनस 4. अब क्या पावर माइनस में है, इसको प्लस में करना पड़ेगा. अगर मैं प्लस में करता हूं तो ये हो जाएगा 3 बाई माइनस 7 टू पावर, क्योंकि रूल होता है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाते हो तो पावर वही रहता है, वैल्यू वही रहेगी, लेकिन सिंबल क्या आ जाएगा चेंज, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस हो आएगा. ठीक है, अब थोड़ा सा एक और चेंजिंग कर लोगे, यहाँ डिनोमिनेटर किसमें निगेटिव में, ऊपर भेज दो उसको माइनस 3 बाई 7 पावर 4 और ये क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 बाई 3 पावर 4. रेसिप्रोकल भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो इनवर्स, किसी का इनवर्स करना तो बस सिंबल चेंज कर दो, किसका पावर का, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस. इसका इनवर्स ये होगा या इसका रेसिप्रोकल ये होगा और इसका रेसिप्रोकल इनवर्स ये कहलाएगा. ठीक है, पावर बस सिंबल चेंज कर दो, निगेटिव या तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव तो निगेटिव वो उसका क्या कहलाएगा रेसिप्रोकल करना शुरू हो जाएगा. ठीक है, स्पेशली हम निगेटिव लगा कर क्या करते हैं, किसी का रेसिप्रोकल करते हैं. अब नेक्स्ट 1/8 टू पावर 5 पे इसका रेसिप्रोकल करें तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 टू पावर 5 हो जाएगा 1/8 टू पावर माइनस 5 कर सकते हैं ना, क्योंकि माइनस सिंबल लगा दिया तो रेसिप्रोकल हो गया. ठीक है, या क्या रहेगा 8/5 क्योंकि नीचे 1 होगा और 1 से डिवाइड करने पर वही वैल्यू रह जाएगी. सिंपल बा 1 को हम क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे. तो इसमें क्या था माइनस 7/3 पावर 4 था, इसका रेसिप्रोकल करना है तो हमने क्या लिखा, लिखा रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7/3 पावर 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 7/3 टू पावर माइनस 4. अगर माइनस सिंबल लगा दोगे तो रेसिप्रोकल माना जाएगा, अगर उसको निगेटिव से पॉजिटिव बदलते हो तो क्या आ जाएगा इस तरह से. ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव आएगा और यह डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और बराबर ऐसे हो जाएगा. और वो अभी इसका जब करोगे तो 1/8 पावर 5 का 1/8 पावर माइनस 5 और जब आप इसको करोगे तो क्या 8 पावर 5. पहली बात और ध्यान रखोगे जितने भी स्टूडेंट्स हो, मैं जिस बेसिस पे जिस तरह से मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप उसी तरह क्वेश्चन का सॉल्व करोगे अपने नोटबुक में. कुछ लोग मैं देख रहा हूँ एग्जाम्पल्स कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है, हाँ एग्जाम्पल्स करते तो सही बात है, एग्जाम्पल बेसिक क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बट तुम सब रूल ही पूरा चेंज कर देते हो, पता नहीं किस हिसाब से एग्जाम्पल को देखते हो किस हिसाब से समझते हो एग्जाम्पल को. मैं देखता हूँ रिप्रेजेंटेशन का मेरे रूल कुछ और पढ़ाया हूँ, कुछ लोग उल्टा कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन. उसके बाद मैंने सब्ट्रैक्ट करने का मेथड ये बताया कि जहाँ सब्ट्रैक्शन का वहाँ माइनस सिंबल लगाओगे. तो पहले कुछ ऐसे हैं कि एडिट इनवर्स ला रहे हैं, फिर एडिट इनवर्स के बाद समझ में उनको नहीं आ रहा है कि प्लस करना होता है एडिट इनवर्स के बाद कि माइनस करना होता है, कहीं प्लस कर दें कहीं माइनस कर दें, आंसर बस मैच करके आंसर लिख दे. ऐसा नहीं करोगे, जैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है क्लास में वैसे ही करना होगा जब एग्जाम्पल ढंग से ना समझ में आ रहा हो. सी 3/5 पावर 2 तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 पावर 2 हो जाएगा हमारा 3/5 टू पावर माइनस 2 या 5/3 टू पावर. क्लियर, उसी तरह उसका भी कर लेना आप लोग. इसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल निकालने का आता वैल्यू नहीं निकालने को, अगर वैल्यू फाइंड आउट करने का आता तब स्क्वायर करते दो बार मल्टीप्लाई करते. उसके बाद
इसका जब करोगे डी का माइनस फोर बाई नाइन पावर सिक्स ये हमारा हो जाएगा माइनस फोर बाई रेसिप्रोकल ऑफ माइनस फोर बाई नाइन पावर सिक्स माइनस फोर बाई नाइन टू पावर माइनस सिक्स लिख सकते हैं या फिर माइनस नाइन टू पावर माइनस नाइन बाई फोर पावर ओके। सो ये इतना क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी जो भी आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन रहेंगे आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो ओके। तो आप इसी बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके चैप्टर के आप सॉल्व करोगे, और जो भी डाउट रहेंगे वो मुझसे क्या करोगे व्हाट्सएप ग्रुप में या यूट्यूब चैनल के जो चैट बॉक्स है उसमें आप पूछ सकते हो ओके। थैंक यू।